तो बड़ी खुशी है। ऐसे ही आज काफी समय के बाद महाराज हिमांचल के यहाँ बेटे ने जन्म लिया, तो महाराज बड़े खुश है, बड़ा धनमाल लुटा रहे हैं। वही पर बाबा नारद आ जाते हैं। कैसे? श्रीमान नारायण नारायण हिमांचल के पास में आ गए। और देखा है उसी समय कहने लगे, बाबा नारद आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है बाबा? हाँ, खुशी की तो बात है, हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आपका आना हो गया, इससे बड़ी कौन सी बात होगी? सुनो, हाँ वैसे तो तुम बड़े कष्ट में रहते थे, लगता है आज तुम्हारे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है। तो महाराज हिमांचल कहने लगे, महाराज आपको नहीं मालूम मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। कहना तो हमारा ये है कि आप तो बड़े दिनों में आए हो, लेकिन एक काम करो। कहने लगे क्या? कि मेरी बेटी की हस्तरेखा देख लो, मेरी बेटी का भाग्य कैसा है। उसी समय महाराज हिमांचल ने अपनी बेटी को महलों से बुलवाया और बाबा नारद हस्तरेखा देखने लगे। जैसे ही हस्तरेखा देखी तो बाबा नारद कहने लगे हैं, आपकी बेटी का भाग्य तो बहुत अच्छा है, बड़ी ही भाग्यमान है, लेकिन लेकिन मतलब महाराज जो लेकिन लेकिन कर रहे हो, इस लेकिन लेकिन का मतलब बताइए। देखो महाराज, लेकिन किंतु परंतु क्या जे बने हुए काम विधना डाल देते हैं। सुनो, लेकिन लेकिन तो ये है कि अब आपको बताए देना। सुनो सुनाओ, बात ये है बिटिया, वैसे तो बहुत भाग्यमान है, लेकिन जब कछ बड़ी रह जाएगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए चली जाएगी। और सुनो, तपस्या करने के बाद में इनकी जो हस्तरेखाएं हैं वो ये कह रही हैं कि इनके बूढ़े दूल्हा हैं, मतलब हाँ बूढ़े दूल्हा मिलेंगे, उसके बाद में इनका घर मकान कुछ नहीं होगा। पर दूल्हा होगा कौन है? हाँ, अब होगा वो भी बताएंगे। सुनो सुनो महाराज, बात तो ये है कि न तो घर में कछु महल होएंगे, न कहूं एक ईंट लगी हुई है। अच्छा। और बूढ़े से दूल्हा होएंगे इनके। अच्छा। हाँ, अब तो महाराज जैसे ये बात सुनी है तो महाराज हिमांचल कहने लगे, बाबा नारद
हमें इस बात की बड़ी खुशी है, मैं केवल ये बता दो कि हमारे दामाद कौन मिलेंगे। उसी समय बाबा नारद कहने लगे, तुम्हारे दामाद भगवान भोलेनाथ मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, हमारे दामाद बाबा भोले बनेंगे। हाँ, अच्छा सुनो सुनो, तुम्हें नहीं मालूम? वैसे तो भगवान भोलेनाथ भगवान का रूप है, लेकिन कारण जाइए बिन के कहूं मेल ना है, न कहूं सो खाइबे को कटोरी उन्हें मिलेगी तुम्हें। अच्छा, हाँ बस बिटिया को भाग्य ऐसो ही है। उसी समय बाबा नारद वहां से चले जाते हैं अपने बीड़े को बजा करके। इतनी बात कह करके महाराज उसी समय, आज हिमांचल राजा रोने लगे हैं। कैसे?